हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपर्णा वंडर वर्ल्ड। और जैसे कि आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे स्नो स्टॉर्म आया हुआ है, तो हम सोचे चलो बाहर आके नज़ारे लेते हैं स्नो के। और यहाँ इतनी ज़्यादा गिरी है कि 14 इंचेस हो गई है स्नो। और आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं, पूरा ऐसा टिला जैसा बन गया है, यहाँ पे पूरा पहाड़ बन गया है, तो मज़ा आ रहा है। और चलिए अब ये स्नो का आनंद लेंगे, आगे चल के और देखते हैं, और आपको लेक भी दिखाएंगे जो कि पूरी फ्रोज़न है। लेट्स गो। तो चलने के पहले मैंने सुबह सुबह जो स्नोमैन बनाया था, पहले मैं वो दिखाती हूँ। तो हमारी बालकनी में बहुत सारी बर्फ़ आ गई है, तो स्नो ही स्नो है हर जगह, तो हमने सोचा एक छोटा सा स्नोमैन बनाने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ी सी बर्फ़ इकट्ठा करते हैं हम यहाँ पे। ये तो ऐसे फरफर वाली बर्फ़ है एक्चुअली में, और फिर भी कोशिश करते हैं बनाने की। स्नोमैन तो बन गया, टोपी पहनाने की कोशिश है। लग रहा टोपी पहनाएंगे अगर तो ये पूरा नीचे ना गिर जाए इसकी आँख वाँख। खैर कोशिश करते हैं। ये स्नोमैन रेडी। बड़ी मुश्किल से स्नोमैन बन गया है, पर खैर स्नोमैन तो नहीं दिख रहा है, पता नहीं मुझे क्या दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, पर जो भी बना है मेहनत से अच्छा बना है। इसको थोड़ा तो शेप दे देते हैं ऐसे राउंड राउंड। ठंडी मफलर भी पहना दिया है, स्नोमैन का भाई होगा ये। कुछ अलग ही दिख रहा है, बट प्यारा सा बना एकदम चिट्टू। तो जैसे ही आगे चलने लगे, तो देखिए एक स्नो साफ करने वाली गाड़ी आ गई, तो मैंने सोचा चलो ये भी दिखा दिया जाए कैसे वो स्नो साफ करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये देखो पूरी जो रोड की जो पूरी बर्फ़ थी वो साइड साइड की गई है सफाई से, उसके भी जो पूरे टीले बन रहे हैं पूरे ऐसे पहाड़ जैसे। चलिए आगे चलते हैं। और ये देखिए इतनी हवा चल रही है कि स्नो का जो शेप है वो इतना सुंदर लग रहा है, मतलब पूरे जैसे सैंड में, जैसे सैंड ड्यून्स में शेप होते हैं वैसा ही इनका शेप आया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। चलो आगे बढ़ते चलो। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, वो देखिए लोग वहाँ पे फन कर रहे हैं, स्नो में स्लाइड कर रहे हैं, और हम भी अभी करेंगे। तो लेट्स गो। तो हम यहाँ तो आ गए हैं, छोटी हिल तक आ गए हैं, और अभी स्लाइड करेंगे स्नो में। तो हम ये लेके आए हैं आज, और ठंड में हम बाहर निकले हैं स्नो में। तो मैं बता दूं हम पूरी तैयारी से आए हैं, सारे लेयर्स, इधर वार्मर पहना हुआ है, 3-4 लेयर पहनी है, और ये मोटे मोटे हैं तो उसको हैं शू बॉक्सिंग, ऐसा लग रहा बॉक्सिंग कर लेंगे शू शू। और ये मैंने बूट लिए हैं, सब पूरे रेडी होके आए हैं, मास्क भी पहने हैं, और नेक वार्मर भी पहना हुआ है, अभी मैंने नीचे किया हुआ है। ओके, तो सारी तैयारी से आए हैं, ठंड अभी लग नहीं रही है, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है, माहौल बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए पैर, देखिए चल चलने में भी। देखो यहाँ से वहाँ तक जाएंगे टिले तक, बड़े वाले कोई भी चला नहीं है अभी, सिर्फ मेरे जूतों के निशान होंगे यहाँ। स्लाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं, और यहाँ पे अभी भी ताज़ी गिरी है ना, तो थोड़ी सी ऐसे बर्फ़ से है अभी जो है, रुकी रुकी से कह सकते हैं बर्फ़ जो है, तो इसलिए वो फिसल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी ग्रिप बनी नहीं है, धीरे धीरे शायद फिसलेंगे, एक आध घंटे में बहुत सारे लोग फिसल गए, फिर ग्रिप बनेगी तो श्वी फिर बहुत अच्छे से फिसलेंगे, और आइस जैसा जब बन जाएगा तब वहाँ ज़्यादा अच्छा स्लाइड कर सकेंगे। और हम भी करेंगे अभी स्लाइड, देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। मैं तो फर्स्ट टाइम करूँगी, तो पीछे आप देख लिए, और अब मैं दिखाती हूँ बहुत ही खूबसूरत जो लेक थी वो पूरी फ्रोजन हो चुकी है, और उसके ऊपर आइस की लेयर जमी हुई है, अब मैं उसके ऊपर चल के
खेल रहे थे, वो भी मैं क्लिप्स मेरे पास होंगी तो मैं ज़रूर डालूंगी, आप वो भी देख सकते हैं। और ये देखिए, ये कल का ही वीडियो है, पूरी जो लेक है ये देखिए, और वो पूरी तरह जम गई है, पूरी आइस हो गई है, और बहुत ही मज़ा आ रहा है इसमें ऐसे चलने में। पहले दूर से देखते थे बच्चे, तैरती रहती थी यहाँ पे, और अभी खुद चल रहे हैं पानी में तो मज़ा आ रहा है, पानी पे चल रहे हैं, ये हो गया जादू। और ये देखिए पूरी जो पौंड पूरी जमी हुई है, सारे लोग आइस स्केटिंग भी कर रहे हैं, पीछे एक बच्ची आइस स्केटिंग कर रही है, दिखाते हैं आपको पीछे देखिए। छोटे छोटे बच्चे भी कितने एक्सपर्ट हैं यहाँ पे, आइस स्केटिंग कर रहे हैं। ओ, ऐसे फिसल सकते हैं, बाप रे पूरे अंदर तक दिख रहा है ना पानी के क्रिस्टल्स, और सब दिख रहे हैं, मस्त मजा आ रही है। और ये देखिए ये आइस हॉकी खेलते हुए, बहुत ही मजा आ रही है देखते हुए इन्हें। और आज तो सब एक हो गया है पूरा, चारों ओर चाहे लेक हो लैंड हो, सब एक हो गई है, मजा आ रही है। पर इतनी गर्मी लग रही है ना, ये स्नो में चलने में बहुत ही थकान, मतलब ऐसे बहुत ही ताकत लग रही है स्नो में चलने में, थक गए मतलब, बहुत गर्म हो गए हैं हम, इतनी स्नो गिर रही है फिर भी। तो चलिए अब वहाँ पे स्लाइड करने की कोशिश करते हैं, चलते हैं। और ये मैं स्लाइड करते हुए फर्स्ट टाइम ही कर रही हूँ लाइफ में। इतना मज़ा आ रहा है ना स्लाइड करने में, ऐसा लग रहा है सारा दिन इसी में निकल जाएगा। और अब ये विपुल की बारी, और अब विपुल स्लाइड करते हुए मजे लेते हुए मज़ा आ रहा है इसमें साइड करने में, ऊपर से आगे मस्त ऐसे स्वी फिसलने में बहुत ही मज़ा आया। और अब आप दूसरों को भी देख सकते हैं, बच्चे कितना मज़े कर रहे हैं, फन कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं, वो बैक फ्रंट साइड से सब, मतलब इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं बच्चे, बहुत ही मज़ा आ रही है देखने में भी मज़ा आ रही है, करने में भी मज़ा आ रही है। तो अब अभी थोड़ी देर ऐसे ही फन करते हैं, एक दो बार और करते हैं मज़ेदार, चलिए स्लाइड खत्म की मैंने, मन तो नहीं कर रहा था आने का वहाँ से, पर आगे चलना है। तो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये जाली सी जो बनी हुई है, सारा पूरा एरिया जो है डॉग्स के लिए, स्पेशल डॉग्स के लिए है। तो यहाँ पे आके खेलते रहते हैं हम, चाहे ठंड हो चाहे स्नो हो, उनको भी तो खेलना होगा, वोटी वोटी आ रही होगी, तो यहाँ पे आते हैं वो खेलते हैं सारे। खाली पड़ा हुआ है ब्रिज, ब्रिज के दोनों साइड लेक जो है खाली है, कोई कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहा है, क्योंकि सारी एक्टिविटीज़ जहाँ हम कूदा फांदी कर रहे थे, स्लाइड कर रहे थे, वहाँ पे लोग फन कर रहे हैं, अभी भी मज़े कर रहे हैं, और पीछे डॉग्स मज़े में लगे हुए हैं, स्नो का मज़े लेते हुए खेल रहे हैं बहुत अच्छे से। तो इसलिए रोड खाली है, और हम चलेंगे आगे इसे लेके। और ये देखिए एक बार और स्नो पूरी उड़ उड़ के कितनी सुंदर ऐसे शेप बन गया है इनका, वेव्स की तरह, बहुत ही खूबसूरत। और
और यहाँ देखिए इतनी तेजी से उड़ रही है स्नो, पूरी ऐसे सर्कल्स जैसे भी बन रहे हैं उसके। और ये देखिए इस कार का हाल, सुबह से शायद इन्होंने हटाई नहीं है तो स्नो इतनी भर गई है कि इस स्नो को हटाने के लिए बहुत मेहनत लगने वाली है इन्हें। खैर चलते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। और